बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चुन्नट वाला फ्रॉक बना रहे हैं, इसलिए हम मेजरमेंट करेंगे। और पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बटन चाहिए 4, और ये पर्ल चाहिए, पिंक कपड़ा चाहिए डिज़ाइन के लिए। अब हम मेजरमेंट करेंगे। अब हम सबसे पहले फ्रॉक की लंबाई लेंगे। हमारे फ्रॉक की लंबाई है 24 इंच। हमने 25 इंच मेजरमेंट किया है, क्योंकि नीचे से ये फोल्डिंग भी जाएगी, कपड़ा एक्स्ट्रा जो है जो फोल्डिंग में जाएगा। और अब हम चौड़ाई में कपड़ा लेंगे। जितने हमारी फ्रॉक की आर्महोल की नाप है, इस तरह से रख के ऊपर से फ्रॉक हमारी आर्महोल की नाप है 12 इंच, लेकिन हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा 15 इंच। तो हम जब चुन्नट बनाएंगे तो इसके लिए हमें डबल कपड़ा चाहिए। हम लेंगे 30 इंच कपड़ा चाहिए। अब हम चुन्नट बनाएंगे, इसके लिए हमें जितनी फ्रॉक की पेटी की लंबाई है 8 इंच है, हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम फोल्ड करके इस पे आयरन का निशान देंगे। अब हम चुन्नट बनाएंगे। अब हम पेटी की लंबाई जो है, हमने पहले भी नापी थी 8 इंच थी, लेकिन हमने 9.5 रखी थी। अब हमने निशान लगा दिए हैं, 1-1 इंच पे हम पूरी पेटी पे निशान लगाएंगे। इतना गैप छोड़ के हम उस पर चुन्नट के सिलाई करेंगे और चुन्नट बनाएंगे। मशीन की हम फुल चाल रखेंगे, जो हमारी मशीन की सिलाई है। दो इंच तक धागा हम छोड़ेंगे, फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे 1 इंच के फासले पे। इसे करके हम पूरी पेटी पे ये सिलाई कर देंगे। अब हम जहाँ पे सिलाई की थी वहाँ पे मशीन की सुई अंदर लगा के, अब जहाँ हमने छोड़ी थी सिलाई वहाँ पे नीचे वाली सिलाई का धागा लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। पूरा नहीं निकालेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके हम चुन्नट बनाएंगे। फिलहाल हम धागे को काटेंगे नहीं।
के जहाँ तक हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम ऊपर से थोड़ी मशीन की चाल कम करके उस पर पक्की सिलाई लगाएंगे, लेकिन जितनी हमें चौड़ाई में अपनी पेटी की चौड़ाई चाहिए उतना ही हमने ये चुन्नट लगाने हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जो धागा छोड़ा है उसको हम वापस खींचेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके चुन्नट बना के, फिर हम धागे को काटेंगे। अब हम इधर भी मेजरमेंट करेंगे जितनी हमें पेटी चाहिए, हर सिलाई पे मेजरमेंट करते जाएंगे। अभी 11 है तो हम फिटिंग की है ये सिलाई तो 11 पे रखेंगे। ऐसे करके हम पूरी पेटी पे चुन्नट बना देंगे जितनी हमें चौड़ाई चाहिए। आर्मोल की चौड़ाई भी हमने नाप ली है और शोल्डर की चौड़ाई और फिटिंग की चौड़ाई, हम पूरी ऐसे ही चौड़ाई में ये चुन्नट लगा देंगे, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। अब हमने चुन्नट बना दिए हैं, अब हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। पीछे से 1 इंच तक हम कटिंग करेंगे गले की और आगे से 2 इंच आर्मोल की कटिंग करेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। अब हम डिजाइन के लिए जो पिंक कपड़ा लिया था उसमें हम पट्टी चाहिए हमें 1.5 इंच की चौड़ाई में और लंबाई में हम ज़्यादा लेंगे और इसको आयरन से एक सिरा इधर और एक सिरा इधर करके हम पट्टी बनाएंगे। बिना सिलाई के फिलहाल हम आयरन पे करेंगे। अब हमने चुन्नट बना लिए हैं। अब चुन्नट की वजह से ना ये कपड़ा ना इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम सेटिंग में से पहले एक सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्रॉक को उल्टा करके उल्टी साइड हम ये पट्टी लगाएंगे। हमने पट्टी की एक सिलाई लगा दी है, अब हम सीधा करके फ्रॉक को अब हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। एक सिलाई लगाएंगे। अब हमने पट्टी लगा दी है, सीधी तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको आयरन करेंगे और इसके कड़े बनाएंगे जहाँ पे हम बटन लगाएंगे। अब हम यहाँ पे बटन लगेंगे इसलिए हमें कड़े बनाएंगे। हमने पट्टी ली है, तिरछी पट्टी काटी है, दो इसमें से कड़े बनेंगे, 2 इसमें हम अब कड़े बनाएंगे। बहुत बारीक सिलाई करेंगे। हमने 2-2 इंच के कड़े बना लिए हैं 4। अब हम फ्रंट साइड को छोड़ के पीछे वाली साइड पे लगाएंगे और आगे इसके बटन लगेंगे। अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से आर्मोल से लेके फ्रॉक की दामन तक।
बराबर शोल्डर को रख के नए कड़े लगा के बटन लगा दिए हैं और इधर पे स्क्वायर में हमने पर्ल्स भी लगा दिए हैं। अब हमने पीछे से ये खुला हुआ है, बच्चों को ऐसे ही बस पहना के कड़े लगाएंगे। ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है और दामन पे रिबन भी लगाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।